अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किचन क्वीन बाय शाइस्ता बागवान चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आई हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ अंडा बिरयानी, वो भी मेरी स्टाइल में। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, मैंने 1.5 किलो चावल ली हूँ, इसे हम भिगोने के लिए 45 मिनट रखेंगे। आज हम 1.5 किलो की अंडा बिरयानी बना रहे हैं। ये देखिए, हम इसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। ये दालचीनी, कमाल पत्री, लवंग, इलायची और जीरा। अब हम ये ऑयल में डालेंगे। ये देखिए, हमारे चावल 1 भगोना है, इसलिए हम पानी 1.5 भगोना डालेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ये देखिए, हमारे पानी को घोल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। हमारे चावल पकने तब तक हम अंडे की ग्रेवी तैयार करेंगे। और ये देखिए, हम 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें 1/2 किलो टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हम अच्छे से पका के लेंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम 2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। ये देखिए, हमने सूखा नारियल भून के उसे एक पेस्ट बना लेंगे थिन सा, और हम ये 1 वाठी डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। ये देखिए, हमारे तेल अच्छी तरह निकल चुका है। अब हम इसमें 1 वाटी प्याज को फ्राई करके इसे पीस के डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। A few minutes later, हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं और माशाल्लाह कितने खिले खिले हुए हैं। अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। आपको जो कलर पसंद है आप वो डाल सकते हो। मैं इसमें पीला कलर, थोड़ा सा केसरी कलर डालेंगे, थोड़ा सा हरा कलर डालेंगे। इसको हम भाप के लिए 5 मिनट रखेंगे। 5 minutes later, इसे हम आधे चावल को 1 प्लेट में निकाल के लेंगे। इसमें से हम आधे चावल को निकाल लिए हैं और हम इसका थर लगाएंगे। पहले हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। और हम प्याज को फ्राई करके लिए वो डालेंगे थोड़ा सा। हम ये अंडे की ग्रेवी तैयार करके लिए थे, अब वो डालेंगे, उसका एक लेयर लगा के लेंगे। ये हम अंडे को कट करके डालेंगे, इसका एक लेयर लगा के लेंगे। के ऊपर से हम ग्रेवी डालेंगे। इसके ऊपर हम चावल की लेयर लगाएंगे। इसमें हम हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। और फ्राई किए हुए प्याज को डालेंगे।
के लिए 10 मिनट तक रखेंगे। देखिए हमारी अंडा बिरयानी रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह कितनी बेहतरीन लग रही है। ये देखिए हमारी झटपट से अंडा बिरयानी रेडी हो चुकी है, आप भी बनाइए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये आपको रेसिपी कैसी लगी। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। चलो अल्लाह हाफिज़।